गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन लास्ट क्लास वी लर्नड इन मल्टीप्लिकेशन चैप्टर मल्टीप्लाइंग एनी थ्री डिजिट नंबर बाय अ वन डिजिट नंबर. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीप्लाइंग अ थ्री डिजिट नंबर बाय अ टू डिजिट नंबर. ओके, थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई बाय करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. 244 मल्टीप्लाई बाय 72. थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई बाय करना है. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि हमें इस नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर्स दिए हैं उनके एक्सपेंडेड फॉर्म. अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट रहते हैं तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे टू डिजिट या थ्री डिजिट नंबर है या फोर डिजिट नंबर है तो पहले उनके एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लो. ओके, तो सबसे पहले हम 244 के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. 244 का एक्सपेंडेड फॉर्म है 200 प्लस 40 प्लस 4. ओके, मीन्स थ्री डिजिट नंबर. ओके, देन 72 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो. 72 का क्या है, 70 प्लस 2. ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को पुट करने के लिए हमें बॉक्स निकालना पड़ता है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन साइन का एक बॉक्स करते हैं. ओके, देन राइट साइड में ये फर्स्ट इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है हमें 244 को, तो ये थ्री डिजिट नंबर है. यहाँ पे भी देखो वैल्यू 240 एंड 4, सो इसके लिए हमें थ्री बॉक्स चाहिए, 1, 2 एंड 3. देन 72 से मल्टीप्लाई बाय करना है, तो 72 के लिए हम मल्टीप्लीकेशन साइन के नीचे 72 यानी टू डिजिट तो टू बॉक्स करते हैं, 1, 2. ओके, अब इसे कंटिन्यू कंप्लीट करते हैं. ठीक है, इस तरीके से हम ये बॉक्सेस निकालते हैं. इजी है, थ्री डिजिट है इसलिए यहाँ पे थ्री कॉलम्स या थ्री बॉक्सेस एंड देन टू डिजिट से मल्टीप्लाई बाय करना है. ये 70 प्लस 2 इसलिए यहाँ पे टू कॉलम्स, नीचे टू रोज एंड थ्री कॉलम्स. देन अब ये वैल्यू हम पुट कैसे करेंगे, देखो ये सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 200, सो राइट हियर 200, देन 40 एंड 4. ओके, एंड 72, सो राइट हियर 70, राइट इन बॉक्स 2. अब हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, मल्टीप्लीकेशन करना है इस नंबर से इस नंबर को. ओके, तो सबसे पहले 7 4 जा कर देंगे और ये 0 लास्ट में लगा लेंगे. ओके, पहले तो 400 आता है, देन 7 4 20 8, सो राइट हियर 28. ओके, देन फिर से 40 है, 1020, सो राइट हियर 20. अब यहाँ पे 20 कैसे आया, देखो 0004 0 0 4 0 0 0 0 4 0. ओके, देन 7 4 28. मल्टीप्लीकेशन में जैसे ऊपर के और नीचे के नंबर्स में डिजिट में 0 रहते हैं तो उतने काउंट करके 0 दे दो, देन जो डिजिट बचे हैं उन्हें मल्टीप्लाई बाय कर दो. ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 था, 10 दे दिए, देन 7 4 28, देन 1 ये 10 एंड 10 20 एंड देन 7 4 28. फिर से 1 2 एंड 3 0 है, वो 100 को कैसे मल्टीप्लाई बाय करते पता है, 300 1 2 3 0 1 2 3, देन 7 2 14. ओके, 14,000. देन अब 2 से करना है मल्टीप्लाई बाय, 2 4 8, देन 2 0 0 2 4 8, फिर से 2 0
जीरो टू जीरो जीरो, देन टू टू जार फोर। अब ये तो हमने आंसर निकाल लिया, अब कैसे करेंगे? अब इनकी जो इन बॉक्स में आए हुए आंसर की हमें क्या करनी है, एडिशन करते वक्त सबसे पहले हम 14,000 देन 2,800 नेक्स्ट 280, यानी इन सब की एडिशन करनी है जो आंसर आया है, देन 480 एंड 8। अब इनकी एडिशन करते हैं, ओके, 0,000 देन 8, 8, 8 + 8 सिक्स, 1 कैरी, ओके, 8 + 1 9, 9 + 2 11, एंड 11 + 4 15, सो राइट हियर 5 एंड 1 कैरी, देन 4 + 1 2, सॉरी 4 + 1 5, 5 + 2 7 एंड 1, मीन्स 17,568, ओके, 17,568, सो आंसर क्या है, 244 मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल टू 17,568, ओके, ये है आंसर। इस तरीके से हमें आंसर निकालना है, पहले नंबर्स को क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, देन उसे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है इस बॉक्स में, और इन नंबर से मल्टीप्लाई बाय करने के बाद जो आंसर निकलते हैं उनकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है, देन एडिशन की जो आंसर आता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है। इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। नाउ सी द वन मोर एग्जाम्पल, 709 × 24, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 709 का एक्सपेंडेड फॉर्म है 700 + 0 + 9, ओके, 1, 2, 0 देन 0 एंड 9, यहाँ पे 0 क्यों, 10 प्लस पे 0 है, देन नेक्स्ट नंबर है 24, सो 20 + 4, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसे बॉक्स में इस वैल्यू को पुट करना है, 2 डिजिट है नीचे और ये है 3 डिजिट, तो मल्टीप्लिकेशन साइन के बाद हमें क्या करना है, 3 कॉलम्स, 1, 2 एंड 3, एंड नीचे 2 रोज चाहिए हमें, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर से हमें मल्टीप्लाई बाय करना है, ठीक है, इस तरीके से हमें ये बॉक्स बनाना है, देन इस वैल्यू को पुट करना है, पहले यहाँ पे 700, 0 एंड 9, 709 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 4, ओके, फिर से देखो, अब ये 0 है, यहाँ पे 0 लिख लो, 2 9 = 18, ओके, यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, देन यहाँ पे 1 2 0 है और यहाँ पे 1 0, इसलिए आप डायरेक्टली 3 0 दे दो, ओके, देन 7 2 = 14, ठीक है, 7 2 = 14, देन आप 4 से मल्टीप्लाई बाय करो ऊपर के नंबर से, नंबर को, 4 9 = 36, 400, देन 700 को मल्टीप्लाई करना है, अब 2 0 है, 2 0 अब दे दो यहाँ पे, देन 7 4 = 28, ओके, इस तरीके से आंसर मिला। अब इनके एडिशन कर लो, पहले है 14,000, सो राइट हियर 14,000, देन 2,800, 2,800, देन 180 एंड 36, इनकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है, ठीक है, कौन सी वैल्यू पुट की, देखो मैंने 14,000, 2,800, 180 एंड 36, ओके, अब एडिशन करो, 6, 8 + 3, 11, सो 1 कैरी 1, 8 + 1, 9 + 1, 10, सो राइट 0, 1 कैरी, 4 + 1, 5,
फाइव प्लस टू सेवन. ओके सो राइट हियर सेवन देन वन मीन्स 17,016. सो 709 इंटू 24 इज इक्वल टू 17,016. ये आंसर आएगा. ओके इस तरीके से हमें थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. नाउ सी द एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ओके ये आपको घर में सॉल्व करने हैं. जो मैंने अभी बताया है एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं उसके बेस पे आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने. इनमें से मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देती हूँ, बाकी की सिक्स एग्जाम्पल में से फाइव एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने. ओके तो मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करके दे रही हूँ. एक्सरसाइज में से सेकेंड एग्जाम्पल है 545 इंटू 38 मीन्स 545 मल्टीप्लाई बाय 30. सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है. सो राइट हियर 545 मीन्स 545 का एक्सपेंडेड फॉर्म 500 प्लस 40 प्लस 5. ओके देन 38 का एक्सपेंडेड फॉर्म 30 प्लस 8. ओके उसके बाद क्या करना पड़ता है, यस उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, बॉक्स निकालने पड़ते हैं. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन साइन दे दो, देन कितने डिजिट है, वन टू थ्री. ओके वन टू थ्री डिजिट एंड टू डिजिट. सो नीचे टू और बाजू में थ्री मीन्स राइट साइड थ्री कॉलम. ओके और नीचे टू रोज क्योंकि टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई बाय करना है. ठीक है इस तरीके से आप कॉलम बना लो, देन इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो. सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू हम लिखते हैं 500 देन 40 एंड 5. नेक्स्ट वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई बाय करना है. सो राइट हियर 30 एंड 8. ओके अब सबसे पहले 30 से ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय करेंगे. ओके ये 10 यहाँ पे दे देंगे, 5 3 15. ओके यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो क्या करना पड़ता है, 20 पुट करो देन 3 4 12. ओके देन यहाँ पे 20 है यहाँ पे 10 है, सो 1 2 3 0 टोटल 0 कितने हो गए, 3. सो राइट हियर 30 देन 5 3 15. ओके देन अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई बाय करना है, 8 5 40. ओके देन 0 एंड 4 8 32. देन 2 0 दे दो यहाँ पे और 5 8 40. ओके अब क्या करना है, जो आंसर आया है उसकी एडिशन करनी है. सो सबसे पहले 15,000 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 4,000 नेक्स्ट 1,200 320 150 एंड लास्ट में 40. इस तरीके से इनकी एडिशन करनी है. ओके 0 0 0 देन नेक्स्ट 2 and 5 7 7 प्लस 4 11. सो 1 1 कैरी देन 2 plus 1 3 3 प्लस 3 6 एंड 1 7. सो राइट हियर 7 वन कैरी 5 plus 1 6 5 plus 1 6 6 plus 4 10 10 plus 1 11. सो राइट 1 1 कैरी 1 1 2. इस तरीके से एडिशन करनी है, मीन्स ये है हमारा आंसर 545 मल्टीप्लाई बाय 38 इज इक्वल टू 21,710. क्या आंसर आया हमारा, 21,710. ओके इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. ये तो मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया है, बाकी के एग्जांपल आपको सॉल्व करने.
फिर से यहाँ पे देखो, सेकंड एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम। द कंसेशनल रेट ऑफ वन इंग्लिश डायरी इज ₹175। इफ 31 स्टूडेंट्स इन अ क्लास गिव देयर टीचर्स दैट अमाउंट फॉर अ डिक्शनरी, हाउ मच मनी हैज द टीचर कलेक्टेड। क्या कहा है यहाँ पे, 175 इंग्लिश डिक्शनरी की रेट क्या है, 175, और टीचर ने 31 स्टूडेंट को ये डिक्शनरी ₹175 में दी है, तो टीचर के पास कितने मनी कलेक्ट हुए। तो आपको क्या करना है, सेम इसी टाइप से है, किस टाइप से करना है आपको, 175 मल्टीप्लाई बाय 31। ओके, सबसे पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है, देन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, और इस नंबर्स को 175 को मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 31 से। ओके, तो आपको ये दो भी एग्जाम्पल आपको करने हैं, मीन्स एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको मुझे सेंड करनी है। ओके,